الشرقية. لكن سو ايو سره باركينم سره باركينم درته وای تاته می سویلی تاته خبره ما ته پورو ان شاء الله د دینه بعد وګورو ټیک تا چې څه کولې شکوا را پاته خلک دی را پاتم پر مدي جوړ کړی د چې په کم طرف را لکنه دا څوک دا تا نور نې کونه دي کدا مونږ یو تا مونږ یادې ما ته مخه تنن ته ولاړې او ته قوم را پاته ته خلک را پاته زما ستا سره کار دی ها او چې دې څه کنه لږ کار شې ته چې دا کوم وی کنه نو انتظار کو تا دې الله لږ کار کینه ته بیا وان دې وینم. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। मुराद सईद के हवाले से धमकी आमेज ऑडियो आपने सुनी। इस ऑडियो के हवाले से हम बात करेंगे और मुराद सईद साहब को ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आखिर वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। और उससे कबल मुराद सईद की जिंदगी के हवाले से, उनके स्ट्रगल के हवाले से कुछ चीजें सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मुराद सईद साहब वो शख्सियत है जो कि ग्रास रूट से उठा हुआ पॉलिटिशियन है, यानी कि स्टूडेंट यूनियन में वो एक्टिविटीज किया करता था, फिर ISF का फाउंडर वो रहा है और इस तरीके से वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर चढ़ने में उन्होंने काफी मुश्किल सही होगी, काफी मुश्किल उनको दरपेश आई होगी, मगर उसके बावजूद भी वो डटा रहा और वो अपने मकाम तक पहुंचने के लिए, अपने कौम की खिदमत के लिए वो खड़ा रहा। अब उनका सिला क्या दिया जा रहा है कि उनको धमकियां दी जा रही है, और धमकियां किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये डिटेल यानी कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और मुराद सईद साहब जो कि आवाज जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ उठाते रहे, क्या उसकी कीमत अब वो अपने जान देकर साबित करेंगे, वो उनको किस किस्म की मुश्किल का सामना इस वक्त है जो कि मीडिया भी उनको नहीं दिखा रहा, हुकूमत पाकिस्तान भी उनके साथ तावन नहीं कर रही। अगर इस तरीके से नुकसान पे नुकसान होता रहा, हमने देखा अरशद शरीफ के साथ क्या कुछ हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, ये सब कुछ सामने आने के बावजूद भी, ऑडियोज रिलीज होने के बावजूद भी, जिसमें वाजे तौर पर उनसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। देखिए, ये मामला कहां से, मामला तब से शुरू हुआ जबकि दोबारा से बदअमनी की कैफियत पैदा होने लगती है, और जैसे जैसे वो लोग दोबारा आते हैं जिनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करने के बाद अब जब दोबारा रिसेटलमेंट की तरफ वो आ रहे थे तो यहां बदअमनी की कैफियत पैदा होने लगी। जब बदअमनी की कैफियत पैदा होने लगी तो सवात से लोग बड़ी तादाद में निकल आए और सवात के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई अब दोबारा कभी भी हम तजुर्बागा आपको अपने इलाके नहीं बनने देंगे। ना सिर्फ सवात बल्कि तमाम जितने भी कबायली अजला है वो लोग भी निकल आए और यक आवाज होकर उनकी जो एक्टिविटीज थी वो मुस्तरद कर दिए। अब जो ऑडियो मैंने आपको सुनाई, इस ऑडियो में वाजे तौर पर वो दूसरा शख्स उनको ये बता रहे हैं कि आपने अपनी कौम को खड़ा किया और आप अपने मुंह को जब तक बंद नहीं करेंगे तो आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। फिर आखिर में कहते हैं कि हम आपके साथ देख लेंगे। और फिर दूसरी एक वॉइस नोट भी है इसमें शामिल, जिसमें वाजे तौर पर उनको यहां तक कहा गया कि जैसे ही आप सामने आएंगे तो आप नहीं होंगे। मैं कभी कभार सोचता हूं कि जब इस किस्म के खदशात इंसान के लिए, हम बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं ना, हमें तो यानी हम ये समझते हैं कि ये डर जाते हैं, ये वो हो जाते हैं। एक शख्स, एक नौजवान है, कितने साल, 30-32 साल का एक नौजवान है और सबसे यंगस्टर पार्लियामेंटेरियन आपके पाकिस्तान का है, वो जब अपनी कौम की बात करता है, वो अमन की बात करता है, वो अपने इलाके में अमन चाहता है, तो उसको इस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। इस पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान भी है यहाँ पर, इदारे भी हैं यहाँ, उनसे ये बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, मगर चूंकि खतरा अब वाजे तौर पर इस स्टेटमेंट में जो कि मैंने आपको सुनाया, इसमें तो वाजे तौर पर उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, तो इस वक्त हुकूमत वक्त की वाकई जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बना दी जाए, और अगर नहीं बना दी गई तो पाकिस्तान में हमने बहुत सारे लोग को यानी इस तरीके से अपनी कोताहियों की वजह से बहुत सारे लोगों को गवाया है, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, जिसमें हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जिसमें आम सिविलियन भी शामिल हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। चूंकि एक चीज़ पर तो हम सब
मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब यानी उनकी हम मुखालफत करते हैं, इसमें तो सारे सब यकजा हैं। तो इस चीज के बावजूद भी कि एक चीज उनको इस तरीके से थ्रेटिंग कॉल्स मौसूल हो रही हैं, इस तरीके से उनको मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, तो यहां पर यह बताना जरूरी है, हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में यह लाना जरूरी है कि इनकी खास तौर पर न सिर्फ सिक्योरिटी यकीनी बना दी जाए बल्कि उन लोगों का पता भी लगाया जाए कि आखिर कौन लोग हैं जो कि इस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं। अब चूंकि हालात वो नॉर्मल नहीं है और ये सीरियस, आप कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया एक हाइप बना दी जाती है, लोगों को डराया जाता है। देखिए अब ये जो दूसरा तजुर्बा अब करते जा रहे हैं, मेरी नजर में ये फेल कबल शुरू ही होगा, उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दो बड़े बुनियादी वजह हैं। एक तो जब वहां के लोकल सपोर्ट आपके पास ना हो, आप ऑपरेशन नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप कामयाब उसमें नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने लोकल्स जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको आपने एतमाद में लेना होगा। आप अगर एतमाद में नहीं लेंगे और इस तरीके से आप ऑपरेशन का आगाज करेंगे, इस तरीके से आप वहां पर अपनी फोर्स के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से वहां के लोगों को वहां से निकालेंगे, तो इस दफा शायद वो मुजाहमत भी आपको दिखानी पड़े। मुजाहमत क्यों दिखानी पड़े, उसकी सर्टन वजूहत हैं, वो वजूहत मैंने पहले भी आपके सामने रखी हैं कि अब जो वहां पर लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये दोबारा बदअमनी की कैफियत पैदा हुई, इसमें किसने क्या किरदार अदा किया और कैसे ये किरदार अदा किया। तो बज़ाहिर ऐसा अब लग रहा है कि दोबारा एक मरतबा यानी एक प्री प्लान तरीके से मामलात को उस तरफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मगर यहां पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि अगर मामलात उस तरफ वाकई जाते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। पहले ऑपरेशंस में जिस तरीके से जो भी कुछ हुआ वहां पर चलो लोगों ने सपोर्ट किया, मैं चूंकि बार बार खुद ये कहता हूं कि मैं खुद इसका निशाना रहा हूं, तो जब एक इंसान खुद उस एक्सपीरियंस से गुजरता है तो फिर उनके जहन में सवालात उठने लगते हैं कि यार वो मेरे पहले वाले कुर्बानी का क्या बना, जब मेरे घरों को मसमार किया गया, मेरे पहले वाले लोग जो शहीद हुए, अब उन यानी इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी अगर वहां पर अमन खुदा खुदा करके बहाल हुआ था तो ये सब कुछ किसके कहने पर और किसके डिसीजन पर हुआ। आखिर वो शख्स भी तो सामने आ जाना चाहिए, आखिर उस शख्स से भी तो पूछना चाहिए कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ और कैसे मुमकिन ये हो सकता था। तो मुराद सिंह साहब ने जब ये सवालात उठाए तो उनको बाकायदा तरीके से थ्रेटन किया गया और वो बताते भी हैं कि मुझे शदीद खतरात का सामना भी है। वो बड़े महफूज और बड़े यानी आप यूँ समझिए कि बहुत ही अपनी एक्टिविटीज़ उनने कम की हुई हैं और बड़े शाज़ो नादर आपको नज़र भी आते होंगे। खैर उनको भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी ख़ास तौर पर इस पर ना सिर्फ उनकी हिफाजत करनी ज़रूरी है बल्कि ये नौजवानों के लिए भी एक उम्मीद के किरण है कि अगर इस तरीके से ये सब कुछ ऐसे हो जाता है जिस तरीके से ये धमकियाँ दी जा रही हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवानों की जो अपने अंदर एक आखिरी उम्मीद है वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस उम्मीद को आप तोड़ने मत दीजिए, उस उम्मीद को ख़त्म मत करने दीजिए, उस उम्मीद को बहाल रखने दीजिए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की में ये नौजवान बेहतर किरदार अदा कर सकें। दीजिए पाक अफेयर्स से नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।